हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस जी सबको। आज वेरी क्रिसमस सबको, हैप्पी क्रिसमस, वेरी क्रिसमस सबको। जी आज हम जा रहे हैं जलंधर, क्रिसमस पे जा रहे हैं। और बहुत दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, उसका रीज़न भी आपको बहुत जल्द बताऊंगी, क्योंकि बहुत ही बड़ी हमारे साथ हादसा हो गया, उस वजह से मैं नहीं कर पाई। बहुत ही ज़्यादा मेरे को गहरी चोट लगी है। तो आज सब कुछ बुलाते हुए, जो कुछ भी हुआ उसको एक सपना समझते हुए आगे बढ़ रही हूँ। और मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, जो मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब थी। मेरी सिस्टर, उसकी डेथ हो चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा, क्या बताऊँ, आज मेरे साथ वो मेरे साथ नहीं है। इतना ज़्यादा मेरे को दुख हुआ, इतना ज़्यादा, क्या करूँ। बस उसको, बस मैं खुद डिप्रेशन में चली गई थी इतने दिन बाद। अभी मुझे थोड़ा होश में, थोड़ा रिलैक्स हो रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं जितने आप उसको बुलाने की कोशिश करोगे उतने आप सही। क्या आपकी बच्ची भी आगे है, अपने अपनी फैमिली को भी देखना है। तो उस वजह से मैं आज ही मैं ब्लॉग को शूट कर रही हूँ। अभी हिम्मत तो नहीं है, पर क्या करूँ, करना पड़ेगा। आगे फैमिली को देखना है, बच्चों को देखना है। वो तो जो परमेश्वर की गॉड की मर्जी होती है, उसके आगे किसी के नहीं चलती। इस वजह से मैं आज, हम क्रिसमस पे जा रहे थे तो मेरे मन तो नहीं कर रहा था, तो इस वजह से आपको मैंने जो रीजन शेयर किया, उसकी डिलीवरी होने वाली थी, बेबी होने वाला था, 28वां मंथ लगा हुआ था, तो बेबी अंदर डेड हो गया। उसकी वजह से मेरी सिस्टर की डेथ हो चुकी थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेके गए यहाँ से बीकानेर, गंगानगर से रेफर उन्होंने कर दिया, वहाँ पे भी रुके बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से मेरा खुद को टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन होने की वजह से। मैं 5-6 दिन तो मेरा बिल्कुल कुछ भी हालात नहीं था, नहीं खाने पीने का कुछ भी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। फिर धीरे धीरे अभी दवाई डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने यही कहा जो भी हो गया अब उसको भूलो, आगे बढ़ो, लेकिन नहीं भूल पा रही हूँ। धीरे धीरे फिर भी दिन में 2-3-4 बार तो मेरा ये मेरे साथ ऐसा होता है, मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा दवाई, अभी दवाइयाँ चल रही है, और आज थोड़ा सा मैं हालत में हूँ था उसके साथ ब्लॉग बना रही हूँ। आप मेरी साथ दुआ करें कि मैं जल्दी रिकवरी करूं और फिर से मैं ब्लॉग बनाऊं, और परमेश्वर मुझे ताकत दे, हिम्मत दे। थैंक यू, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं बोल पा रही हूँ। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू, मैरी क्रिसमस आपको सबको। आज हम फिर जा रहे हैं क्रिसमस पे जा रहे हैं, और ये जो हमने जेनी का बर्थडे मनाया था 26 को, बहुत खुश थे। और मेरे भाई की शादी थी, उसकी तैयारियां कर रहे थे, अचानक से इतनी हमारे जिंदगी में मुसीबत हुई, बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ। हमें कुछ पता भी नहीं था, इतने खुश थे सब, वो भी मेरे साथ इतनी खुश थी। तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ मेरे साथ, अभी भी मैं बाहर नहीं आ रही, डिप्रेशन से मेरी दवाइयाँ चल रही है। और ये देखो जैनी, जैनी क्या कर रहे हो बेटा, जैनू भी कोई सुध बुद्ध नहीं है घर का, ये कैसे रखा, कोई हाल ही नहीं है, ऐसे बढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सब हो गया, सब कुछ ले लिया, हो गया, एक ईंट बंद है, पता नहीं शायद, बोला
तो आज हम थोड़ी हिम्मत करके जा रहे हैं क्रिसमस पे। ये देखो जैनी, हाई करो बेटा, हाई करो, हाई करो, हाई करो फ्रेंड को। हाँ, ये देखो जैनी क्या कर रहा था इसने लिपस्टिक पूरी ड्रेस को। कहाँ लगाई है लिपस्टिक आपने? क्यों लगाई है बेटा? डैडी ने तो नहीं लगाई, आपने लगाई है। ऐसे नहीं करते ना। देखो, हेलो कर दो फ्रेंड को। हाय, शोभा यात्रा पे तो वैसे ही लगा आज बेटा, इधर आओ, चलो वॉश करवाएंगे गाड़ी को। चलो बैठो बेटा, हाँ बैठो, उठाना इसको, बैठो बैठो सही से, आगे हो जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं, इधर आ जाओ, खड़े हो, कोई बात नहीं बैठने दो, मैं इधर हो जाती हूँ। लॉक कर दी, लॉक कर दिया तो? हाँ कर दिया। रुको रुको बेटा, ना ये अभी मेरे पास ले, मामा बैठाई गया, जाएगा कुछ नहीं होगा इसके ना, वो लगी इतना इतना बेबी करते, बाइबल उठा ली थी। अभी मनवाना हो रहा है, आप सब प्रेयर करें, प्रेयर करें कि इस वक्त वापस आए परमेश्वर के भवन में जाके। बट हाय कर दो, तो क्या हो गया? प्रेज द लॉर्ड, बोलो द लॉर्ड सबको जय मसीह की, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस सबको।